रजत बताइए फाइनल बेट। जी बिल्कुल, धनसेरी पेट्रो पे दाव लगा सकते हैं। ये इस अभी मोमेंटम में आ सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर जिस तरीके का चार्ट सेक्टर बन रहा था, और मैं चेक कर रहा था कि पिछले चार पांच हफ्ते के ऊपरी स्तरों पे ट्रेड करने के लिए, बिल्कुल वैसे ही 86 के ऊपर टिक गया तो काफी स्ट्रांगली ग्रिप में आ जाएगा। 94 जो कि इसका 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां तक पहुंचने का दम रखता है, और ये बहुत स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो रहा है निचले स्तरों से। नो डाउट यहाँ पर अच्छी खासी तेजी बन सकती है। एक और बड़ा ट्रिगर यह है कि 90% बुक वैल्यू के नीचे कामकाज कर रहा है। बुक वैल्यू 164 के आसपास है, उससे बहुत नीचे है शेयर। साथ ही साथ जैसे मैंने बताया कि 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे टकरा सकता है। क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट्स जो थे वो कंपनी ने बहुत बेहतर पोस्ट किए थे, लगभग 74% का इजाफा देखने को मिला था। हाल फिलहाल में खबर यह भी थी कि इंडोरामा वेंचर्स के साथ जॉइंट वेंचर किया कंपनी ने। कंपनी पीईटी रेजिन्स बनाने के कारोबार में है, जो पीईटी बॉटल्स बनाने के काम आता है, तो इस वेंचर के जरिए फायदा होता हुआ नजर आएगा। मल्टीपल ट्रिगर्स है जो ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके की तेजी पिछले कुछ दिनों में शो कर रहा है और जून के उच्चतम स्तर पर पहुंचा है, तो नो डाउट यहां पर तेजी बढ़ेगी। पोजिशनल तौर पर भी इस स्टॉक पर काफी स्ट्रांगली बेट लगती हुई नजर आएगी। 94 का लक्ष्य धनसेरी पेट्रो पे। जी हाँ बिल्कुल, खैर 90 तक ये गया है, स्टॉप लॉस रखिएगा, 84 का 90 तक ये गया है फिलहाल, 90 के आसपास ट्रेड करते हुए, लेकिन 94 तक जाने का पोटेंशियल इसमें ज़रूर है। फिलहाल 6% ऊपर ये काउंटर इस समय ट्रेड करते हुए, तो नज़र रख सकते हैं इस पर। इस बीच चलिए बाज़ार बंद होने से पहले एक बार देख लेते हैं आज क्लोजिंग जिस तरह के आने के संकेत हैं। 60 पॉइंट्स नीचे है निफ्टी, लेकिन हो सकता है 8100 के ऊपर क्लोजिंग देने की कोशिश ये करे। लेकिन आज भी यूरोपियन मार्केट के संकेत जिस तरह के रहे हैं, या फिर जिस तरह से यूएस फ्यूचर्स में जिस तरह का रुझान देखने को मिला है सिद्धार्थ, ऑब्वियसली एक तो जो यूएस फेड की मीट है वो, फिर ब्रेग्जिट, फिर जापानी सेंट्रल बैंक की मीट, इन सब के बीच डॉलर इंडेक्स में भी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। आज सुबह भी हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी और रुपी को काफ़ी हद तक सपोर्ट करना पड़ा आज आरबीआई को। ऐसे में रुपी सेंसिटिव स्टॉक्स पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी आज? देखिए, हम मानते हैं कि ओवरऑल विद अ मीडियम टर्म आउटलुक, हम हालांकि हम लोग करेंसी एक्सपर्ट्स नहीं हैं, बट वॉट एवर द रीडिंग इज, हम मानते हैं कि रुपी में कमजोरी बन सकती है आने वाले समय में, क्योंकि अगर ग्लोबल ग्रोथ में थोड़ी अगर टेपर्डनेस रहेगी तो डॉलर इंडेक्स ज़रूर मजबूत होते दिख रहा है, तो रुपी में ज़रूर गिरावट दिखने मिलेगी। अगर रुपी में गिरावट रहती है तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक्स जो है या सेक्टर्स जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। कंपनीज लाइक बजाज ऑटो जो टू व्हीलर स्पेस में 40-42% का एक्सपोर्ट करती है, कई कंपनियों के अगर एक्सपोर्ट के जो मार्केट्स है वो अगर ठीक हो जाते हैं, जो भी वहाँ पे एक्सपोर्ट मार्केट्स में जो भी लोकल इश्यूज है वो अगर रेक्टिफाई हो जाते हैं, तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बजाज ऑटो हो गया, भारत फोर्ज हो गया, तो हम मानते हैं कि ये सारी कंपनियों के नतीजे काफ़ी अच्छे आ सकते हैं आने वाले समय में। इस बीच जेके निफ्टी बैंक और साथ ही साथ 12 वो स्टॉक्स जो कि निफ्टी बैंक में शुमार हैं, इनमें से अपने क्लाइंट्स को आपने क्या क्या सजेस्ट किया, अप्रोच क्या है, हाउ यू विल प्ले निफ्टी बैंक, शॉर्ट लॉन्ग पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन बुल स्प्रेड बेयर स्प्रेड शॉर्ट स्ट्रैंगल लॉन्ग स्ट्रैंगल, एग्जैक्टली निफ्टी बैंक पर और इनफैक्ट इसके 12 स्टॉक्स पर अप्रोच कर लेके चल रहे हैं आप इस वक्त? बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी के जो 12 स्टॉक देखिए, आई थिंक मिस्ड बाय है, पर्टिकुलरली जो हेवी वेट प्राइवेट सेक्टर बैंक है, आई थिंक वहां पे बाइंग आईसीआईसीआई बैंक की अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक रेट बॉन्ड मूवमेंट रहेगा। अगर किसी को प्ले करना है तो आई थिंक एक वीकली ऑप्शन जो थर्सडे के सीरीज के लिए है, एक बेयर पुट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बना सकता है, जो 17,500 की पुट बाय करने के लिए सलाह दूंगा, साथ ही साथ 17,200 का पुट सेल करने के लिए सलाह दूंगा। हमें नहीं लगता है सिग्निफिकेंट डाउन साइड या सिग्निफिकेंट बिल्कुल। इस बीच आरवी डेनिम्स जो कि हमारे आज की सुपर शेयर्स की पिक थी, वो 20% के अपर फ्रीज पर इस समय ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 74 के लेवल को टच करते हुए। टेक्सटाइल स्टॉक्स पर सिद्धार्थ आपका व्यू क्या है? देखिए मिहिर, वही वाली बात हो गई कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, हम मानते हैं कि जिस हिसाब से करेंसी फ्लैट अप है
और जिस हिसाब से चाइनीज करेंसी भी अपनी करेंसी को वीक करते जा रहा है डॉलर के मुकाबले, तो वो लोग एक डेफिनेटली एक एडवांटेजेस पॉइंट पे है, तो भारत की भी करेंसी थोड़ी कमजोर होगी तभी एडवांटेजेस पॉइंट पे रहेगी। तो इस पे टेक्सटाइल सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 60-65% एक्सपोर्ट्स होती है। तो ये पर्सपेक्टिव से हम मानते हैं कि अरविंद हो गया या कोई इत्यादि स्टॉक हो गया, एक्सपोर्ट मार्केट काफ़ी स्ट्रांग है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री या टेक्सटाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बट मैं नहीं मानता हूँ कि स्पिनिंग साइड में ज़्यादा कोई मजबूती रह सकती है, जो कंपनी स्पिनिंग में रहती है उस पर मजबूती रहना थोड़ा मुश्किल है। इस बीच में आज जो 52 वीक हाई है उन काउंटर्स की रबिक श्रेणी देख रहा था, एक भी ढंग का काउंटर नहीं 52 हफ्तों का जो नया हाई पे कारोबार कर रहा है इस वक्त, नो नॉट एग्जैक्टली। इनफैक्ट ए बी जी से प्यार शायद सुबह एक नया हाई लगाया था लेकिन वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस हो चुका है, नो कोई अगर आप देखें गौर करने लायक इस कैटेगरी में स्टॉक है ही नहीं। एक बार थोड़ा सा चलते हैं, लेट्स टेक सब्सटेंशियल ओआई गेनर्स, वो स्टॉक्स जहाँ पर आज प्राइस अप्रिशिएशन के साथ यानी इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट और इंक्रीज इन प्राइस यानी जहाँ पर दाम भी बढ़ा हो और पोजिशंस भी लॉन्ग क्रिएट हुई हो, इस क्रम में आप देखिए जेपीएससी स्किप करता हूँ, अंबुजा सीमेंट जैसे कि मैंने कहा कि आज पूरी वाइब्रेंसी दिखा रहा है। देखिए अंबुजा सीमेंट्स हो गया इसमें अप्रॉक्सीमेटली 15,54,000, आप देखिए डी हाई पर आके खड़ा हो गया स्टॉक। इंडिया सीमेंट का भी लास्ट स्टॉक जिसका जिक्र मैंने किया था आज यहाँ पे 10 लाख शुरू का सब्सटेंशियल गेन है सीमेंट्स में, आप देखें काफ़ी अच्छी खासी बैंक है। दो निजी बैंक डेरिवेटिव्स में वायदा कारोबार में काफ़ी अच्छा खासा कर रहे हैं, उसमें यह है येस बैंक 4.25 लाख शुरू का अगर आप देखें बिल्डअप है, कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ भी 4 लाख शुरू का बिल्डअप है, ये अच्छा कर रहा है और ऑलमोस्ट डी हाई पे कारोबार कर रहा है। बीपी सेल ये भी अगर आप देखें अच्छा करता हुआ, और कुछ काउंटर्स जो कि थोड़ा ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जी एंटरटेनमेंट जिससे जिक्र मैंने किया था कि आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, और हो गया एक KPIT, आई मीन ये भी अगर आप देखें अपनी तरफ काफ़ी ओपन इंटरेस्ट खींचता हुआ। जेके KPIT पे आपकी राय 180-190 के स्तर पर अभी कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को? बिल्कुल खैर चलिए आज जिस तरह की क्लोजिंग आने की उम्मीद है इसमें देखना होगा कि क्या अभी भी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप कल के लिए पोजीशन बना सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कल के ये ट्रेड्स कौन से हैं जिस पर आप BTST कॉल्स ले सकते हैं। हमारे साथ ये कॉल्स लेकर साक्षी जुड़ी हैं, साक्षी बताइए। शुक्रिया मैं ये शुरुआत करते हैं AK प्रभाकर की राय के साथ, उन्होंने दो BTST ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं। इनकी पहली पिक है रामको सीमेंट पर, खरीदारी की सलाह यहाँ दी है, टारगेट बताया 542 का और स्टॉप लॉस हम नीचे में लगा सकते हैं 521 का। इनकी अगली पिक है कॉफी डे एंटरप्राइजेस की, खरीदारी की सलाह यहाँ पर दी है, टारगेट बताया 266 का, नीचे में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 254 का। आशीष ख्याल की अगर बात करें तो इन्होंने दो कॉल्स दिए और दोनों पर ही शॉर्ट ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं। STBD ट्रेड उन्होंने DLF पर रेकमेंड किया है, टारगेट बताया 121 का और ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 136 का। रिलायंस कैपिटल पर भी इनकी बिकवाली की राय है, टारगेट बताया 375 और ऊपर में हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 405 का। आखिरी पिक्स है मनीष शर्मा की तरफ से, आइडिया पर STBT ट्रेड रेकमेंड किया है, टारगेट बताया 97 का और ऊपर में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हम 102 का। इनकी आखिरी पिक टाटा मोटर्स पर है, यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी है इन्होंने, टारगेट बताया 455 का और स्टॉप लॉस हम लगा सकते हैं 430 का। तो ये कुछ कॉल्स है जहाँ पे आप काम कर सकते हैं, BTST कॉल्स हैं ये। कुछ ट्रेडिंग आइडियाज और देख लेते हैं, इनफैक्ट ये है कुणाल सरावगी के, बाय बलरामपुर चीनी शुगर बेदाव लगा रहे हैं यहाँ पर और विद द पॉसिबल टारगेट ऑफ 135 स्टॉप लॉस 125 का। थोड़ा सा स्टॉप लॉस मनोगर कर लीजिएगा अपनी तरफ से जहाँ इतना दिमाग लगा रहे हैं, थोड़ा सा और सही। बाकी अगर आप देखें HPCL 900 के स्तर पे कारोबार कर रहा है, 6 रुपये ऊपर 920 का अगर आप देखें लक्ष्य है और 880 का स्टॉप लॉस 1:1 का रेसिव रेशो सही है। और कई बार क्या होता है ना कि स्टॉक्स में सडन स्पाइक आ जाता है जब तक कि कॉल बनती है तब तक, उसी लिए अगर आप देखें ऐसा हुआ है। बाकी HSIL यहाँ पे 264-265 का स्तर है, 275 का लक्ष्य और 260 का स्टॉप लॉस, दैट्स अ डीसेंट फंड, अच्छा अगर आप देखें यहाँ पर रिस्क रेशो। आप भी कोई जाना चाहते हैं ट्रेड, समझना चाहते हैं टारगेट्स, पूछना चाहते हैं स्टॉप लॉस,
नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7840020000। इस पर अगर आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कर दें तो हम डेफिनेटली आपको अगर आप देखें तो कॉन्टैक्ट करेंगे और आपका स्टॉप लॉसेस सजेस्ट करेंगे या फिर टारगेट सजेस्ट करेंगे। इस बीच एक दो स्टॉक, कौन सा स्टॉक बताया था अभी आपने, इस पर अगर आप देखें काफ़ी डिसेंट मूव है अभी अभी अगर आप देखें जी। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, लेट्स टेक बीपीसीएल अगर आप देखिए, मारुति बीपीसीएल अगर आप देखिए, मारुति का मैं जिक्र करता हूँ यहाँ पर। मारुति एक बार जरा टिक बाई टिक चार्ट्स पे देखिए आप, ऑलमोस्ट आपकी स्क्रीन पर अब इस वक्त 4143 3/4% ऊपर, ऑलमोस्ट ये हाई पर रहा है। फिर अगर आप देखें बैंकिंग में जाइए आप, जरा बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिए 146.95 पर। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सत्र के अंतिम छोर में एक डिसेंट मूव ले रहे हैं। अदानी पोर्ट्स एंड एसईजेड को देखिए 203.30 का स्तर यहाँ पर, ऑलमोस्ट 1/4% ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन बड़ी बात है कि 150 से रिकवर होकर ऊपर आया है। आई थिंक इसमें से मारुति पे बात मैं कर सकता हूँ सिद्धार्थ, शायद इनफैक्ट नितिन पहले आपकी ये जगह आपकी राय लेना चाहूँगा मारुति पर, इसको आप कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को विद इन द ऑटो बास्केट? ओवरऑल देखिए आई थिंक स्टॉक 4200 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नोटोर आज के 4050 के स्टॉक रिपोर्ट है उसके ऊपर से एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो जिस हिसाब से मोमेंटम है अगर ये कैजुअल होता है तो ऊपर में 4200 ब्रेक करने के भी चांसेस ज्यादा है, तो मेरे हिसाब से लॉन्ग साइड ही प्ले करना चाहिए। बट रिस्क ये होगा अगर 4200 क्रॉस नहीं कर पाता है तो दोबारा इसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकती है। तो 4050 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाकर बाय करना चाहिए, 4200 क्रॉस करता है तो स्टॉक ऊपर में 4350 4400 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है।